दिनांक 20/2/2022 को वादनी सोनी मिश्रा पत्नी प्रवीण कुमार मिश्रा निवासी गोलिया पारसपट्टी मझवार थाना उमरी बेगमगंज जनपद गांडा द्वारा थाना उमरी बेगमगंज में लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके पति को शोच हेतु जाते समय लाठी डंडे व धारदार हथियार से मारा पीटा है, जिसकी उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर थाना उमरी बेगमगंज में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने घटना को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र अधिकारी तरबगंज के पर्यवेक्षण में तीन टीमें गठित कर इस मामले को सूक्ष्मता से अन्वेषण कर घटना का सही अनावरण करने व दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश थाना अध्यक्ष उमरी बेगमगंज व प्रभारी SOG को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरी बेगमगंज व SDO की टीम द्वारा किए गए सूक्ष्मता से अन्वेषण व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी का थाना तरबगंज क्षेत्र में रहने वाले सूरज सिंह से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिनांक 20/2/2022 को अभियुक्त सूरज सिंह मृतक की पत्नी के बुलाने पर उससे मिलने गांव आया था तथा गांव के बाहर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शारीरिक संबंध बनाते समय प्रवीण कुमार द्वारा देख लिया गया तथा टोकने पर सूरज सिंह व सोनी मिश्रा द्वारा चापड़ से मारकर प्रवीण कुमार मिश्रा की हत्या कर दी गई। दोनों आरोपियों द्वारा अपने अपने जुर्म स्वीकार भी कर लिए गए हैं। अपराधियों द्वारा विरुद्ध थाना उमरी बेगमगंज में विधिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा थाने में सफल अन्वेषण हेतु टीम उत्साहवर्धन हेतु ₹25,000 से पुरस्कृत किया गया है। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए गोंडा से संजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद गोंडा में थाना उमरी बेगमगंज अंतर्गत एक मामला पंजीकृत कराया गया था मर्डर का, जिसमें की पत्नी ने यह तहरीर दिया था कि उसके पति के साथ मारपीट करके हत्या कारित कर दी गई है। इसमें टीमों का गठन किया गया था और मात्र 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर लिया गया है। इस घटना में पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। इसमें जो पति मृतक था प्रवीण कुमार मिश्रा, उसकी पत्नी सोनी मिश्रा और सूरज सिंह, ये दोनों मुलजिम हैं। ये रात्रि में प्रेम संबंध, जब ये संबंध बना रहे थे उस समय पति ने देख लिया था, इनको टोका था और तभी इन दोनों ने मिलकर अपने पति को वहां पे मार दिया, इस प्रवीण को। और उसके बाद से ये झूठी तहरीर दी कि कुछ अज्ञात लोगों ने प्रवीण के साथ में मारपीट किया था और वो घायल हो गया था। लेकिन हमारी टीम ने 24 घंटे के अंदर ही सर्विलांस के माध्यम से, मैनुअल सूचना के माध्यम से ये निकाल लिया कि पत्नी सोनी और ये लड़का सूरज सिंह, यही लोग इसमें इन्वॉल्व है और इनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से आला कत्ल वो भी बरामद कर लिया गया है। 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करने वाली हमारी टीम को ₹25,000 इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है।